decimal to octal. So what is the base of decimal is 10 and base of octal is 8. So that is what, how can we, just like this, there is no problem. 1 is 0, is 0, 1 is 1, 2 is 2, 3 is 3, 4 is 4, 5 is 5, 6 is 6, 7 is 7. Now that is the problem with the 8. देखिए डेसिमल जो ऑक्टल लेवल में 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 डिजिट्स होते हैं. प्रॉब्लम शुरू होती है 8 से. अब हमको लेना पड़ेगा 8 से. सो डिवाइडेड बाय 7 सेम पैटर्न 7 बन जाए 7. ओह सॉरी 8 बन जाए 8 बन जाए 8 8 8 8 is 8 1 8 remainder 0 and 1 at 0 equal to remainder 1 so that is the 8 will be in octal become 0 okay now that is 9 9 divided by 8 8 1 is 8 remainder 1 and 1 divided by 8 0 times remainder 1. So 9 will become 9 will become 1 and 1. Okay. So that is the way. Same way ऐसे ही आप कर सकते हैं. और यही जो है ये सिस्टम जो देखिए हमने 8 बन जा 8 डिवाइड किया 1 टाइम्स क्वेश्चन आया है हमारा और ये डिविडेंड है. ये डिविडेंड है, ये डिविजर है. ठीक है, तो हमको इस तरीके से करना, वही प्रैंक करना है. जीरो टाइम्स करके मन हमको लाना है डिविडेंड और इस तरीके से इसको अरेंज करना है. इसी तरीके से अगर डेसिमल को हम एग्जैक्ट करना चाहेंगे एग्जैक्ट तो वहां पर एग्जैक्ट डेसिमल में हमारा जो बेस है वो 16 हो गया. बेस कितना हो गया 16 हो गया. तो सीधी सी बात है 0 टू 15 0 टू 15 कोई प्रॉब्लम नहीं. 0 टू 15 कोई प्रॉब्लम नहीं. प्रॉब्लम शुरू हो गया आपकी 16 से. 16 डिवाइडेड बाय 16 16 वन जा 16 रिमाइंडर 0 एंड 1 divided by 16, 0 times remainder 1. Okay, so it will become the 16 is 10, 17, 11 in this way. यही तरीका रहेगा सबके लिए. ठीक है, अब ये तो हो गया आपका conversion from decimal to binary, binary to octal and octal to hexadecimal. Now sorry, decimal to binary, डेसिमल टू ऑक्टल है, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल. तो ये हमारा कन्वर्जन हो गया है. अब इसमें आगे हम चलते हैं डेसिमल करते हैं और इस तरीके से आप इसकी प्रैक्टिस करिए. फिर आप बाइनरी टू इसका रिवर्स भी है, वो भी हो सकता है, परंतु वो आपके सिलेबस में नहीं है. इस तरीके से यहाँ मोशन गति गति मैं से पहले एग्जांपल रूप में लेना पड़ेगा. किसके कहा जाए कौन सी चीज कौन कहेगी वो मोशन है. व्हाट इज मोशन फर्स्ट केस में ना जो एनीथिंग इफ ए इज पॉइंट ओके एंड दैट इज एन ऑब्जेक्ट ओके एन ऑब्जेक्ट is put at the point A when it is about to displace okay at the B with respect to time T time okay. अगर ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट A से B तक जाने में टाइम T में डिस्टेंस कवर करता है ना, तो इसको इसको रिस्पेक्ट टाइम इन मोशन है ना. अब मोशन में कैसे कहेंगे, हाउ कैन वी से दैट
एनीथिंग जब मोशन की बात करते हैं एनीथिंग दैट इज रेस्ट और इन मोशन जब हम मोशन की बात करते हैं तो मोशन में सबसे बड़ी चीज आ जाती है मोशन जो है हम कोई भी हाउ कैन वी से दैट एनीथिंग इज इन मोशन हम कैसे कह पाएंगे कोई भी वस्तु है ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है या भी रेस्ट में है मोशन में है तो हम कैसे कह देंगे हमको क्या चाहिए एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए क्या चाहिए रेफरेंस पॉइंट हम जब भी किसी चीज को मोशन में कहेंगे तो उसका एक रेफरेंस पॉइंट जैसे अगर मैं यहां चल रहा हूं ऐसे विद रिस्पेक्ट टू यू आई एम इन मोशन With respect to this board, I am in motion. इस respect में मैं motion में हूँ, है ना? इसके तो because you are still, अभी आप still हैं, ठीक है? अब हम ये जो सारी चीजें motion में कौन सी चीज आई? हमने क्या कहा? अगर हम कुंडली ball, है ना? Riding bicycle. Respiration, ठीक है, flowing of blood, respiratory, flowing of blood, flowing blood, automobiles. And crawling snake रेलने वाला घोड़ा ये सारे मोशन में ये एग्जांपल अगर मोशन रनिंग बॉल राइडिंग बाइसिकल रेस्पिरेशन जो बॉडी के अंदर सांस लेते हैं तो बॉडी में करती है तो एयर इंटेक होने की वो एयर एक्सटेक होने की है ना ये अंदर पकड़ा था स्पाइन बर्ड्स ठीक है हम किसी भी चीज को एब्सोल्यूट मोशन और एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं कह सकते उसमें क्योंकि rotation of the earth and the revolution of the earth. अब देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि एब्सोल्यूट मोशन कंप्लीट मोशन जो कंप्लीट तरीके से कोई नहीं कैसे नहीं मैंने दो एग्जांपल ठीक है अब जो है अपनी एक्सिस पे क्या करते हैं रोटेट करते हैं और अर्थ जो है वो जो है सन के ऑर्बिट में भी चक्कर लगाते हैं वी आर ऑन द अर्थ हम कहां हैं अर्थ के ऊपर हैं Does Earth is still now? क्या Earth अभी रुकी हुई है? क्यों नहीं रुकी हुई है? वो तो अपने rotation पे है ना? Earth revolve around the sun. So how can we say that? We are in rest. हम कैसे कह सकते हैं हम rest? How can we say that? This stool is still. This board is still. हम ये कैसे कह सकते हैं कि ये board अभी ये दो कंट्रोवर्सी हो गई देखिए बहुत जबरदस्त है इसी में आ जाता है इसीलिए मैंने इस वर्ड का यूज किया रेफरेंस पॉइंट हम किसी चीज को कैसे कह पाएंगे कि वो मोशन में है जब आप स्थिर रहोगे तभी तो सामने वाला मोशन में रहेगा ना है ना तो वही चीज है कि जब हम एब्सोल्यूट मोशन की बात करते हैं रेस्ट की बात करते हैं तो ये प्रॉब्लम आ जाती है भाई कोई भी क्वेश्चन उठा देगा ना कि भाई जब आप कहते हो कि The Earth rotates on its axis
कंप्लीट इन 24 आवर्स एंड 365 डेज, वो बिल्कुल खत्म होती नहीं है ना, पुकार उतरे तो हम उसके ऊपर हो गया, हमने तो उसके साथ घूम रहा है घूमें, तो हम कैसे कह सकते हैं आप किसी रिवॉल्विंग स्पेस जैसे डांस फॉर हो उतना रहता है उसके ऊपर आप खड़े हो और आपके रूप को आप खड़े हो और वो रिवॉल्विंग जो है वो घूम रहा है, इसके सामने वाले को क्या लगता है घूमते जा रहे हैं, ओम शांति ओम जो कहना है उसमें ऐसे ठीक है। सो दैट इज द हम वी आर नॉट एबल टू से द एक्चुअल मोशन एंड फील रिलेशनशिप विद इन यूनिवर्स, नथिंग इज इन एब्सोल्यूट मोशन, नथिंग इज इन यस यूनिवर्स में कोई भी चीज पूरी कंप्लीट तरीके से ना तो गति में है ना कंप्लीट तरीके से रेस्ट है। अगर यूनिवर्स में बात करें तो अगर अर्थ पे जो रियल हो वो तो कंप्लीट मोशन में, क्योंकि वो नहीं हमको नहीं दिख रहा है, हम नहीं पता लगा सकते हम मोशन में है या नहीं है ना, तो ये तो समझ में आएगा मोशन आपको कहां से समझ में आएगा मोशन कि मोशन क्या चीज है। अब कैसे मोशन कहा जाएगा, मोशन ऐसे कहा जाएगा कि मैंने कहा ना कि एक रेफरेंस पॉइंट है ना, मोशन मींस अब मोशन की बात आ जाती है गति है ना, गति से आ जाती है मोशन, ये है एक कोई भी पॉइंट है ना, सपोज करो कि पानी के जैसे सेंटर ये सेंटर है ये कितना यहां से सेंटर चला ठीक है सॉरी ये सेंटर है कि बंदा है साइकिल चला ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट दिस राइडर इज इन मोशन, ऐसा है वो राइडर जो है ना लाइफ ऑफ मोशन भी कहते हैं, आगे समझ में यहां तक आ रहा है। अब गैलेक्सी की बात कर रहा है।